आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं? फ्यूचर में मैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूँ, किसानों की सेवा करना चाहता हूँ। मतलब आना पॉलिटिक्स में ही? किसकी तरह? हाँ जी, किसकी तरह? किसी की तरह नहीं, चौधरी चरण सिंह। मैं अपनी तरह। जवाहरलाल नेहरू? किस, देखिए मैं जब बनूंगा ना किसान, जब मैं बनूंगा एक प्राइम मिनिस्टर, तो मेरे अंदर वो नहीं आएगा भाई मेरे पास दौलत है शोहरत है, ये किसान गए भाड़ में, किसानों बात कर रहे हैं, किसानों का राज चलेगा फिर पूरे देश में। जब भी कोई कानून आएगा कुछ भी हम लागू करेंगे तो पहले किसानों से पूछा जाएगा, किसानों की राय ली जाएगी, और जितने भी किसान नहीं है जो लोग शहरों में रहते हैं उनसे भी राय ली जाएगी। उधर एक मुद्दे बताइए देश में जो सबसे अभी अहम जरूरी है इस टाइम में। सबसे जरूरी देखिए किसान आंदोलन है, फिर महंगाई है, ठीक है, इतनी महंगाई बढ़ रही है ये खास करके, ठीक है। और आपको मैं बता दूं ये जो बेरोजगारी यस बेरोजगारी सिस्टम, और जो ब्लैक मनी का है वो छुपाया जा रहा है वो। प्रधानमंत्री बनना आपका बचपन का प्यार है अभी से है? बिल्कुल मैं किसानों की सेवा करना चाहता हूँ, इसलिए बीजेपी सरकार को घेर रहे हैं, अपना फील्ड बना रहे हैं। देखिए अरे यार तुम ना एक तो सारे रिपोर्टरों की प्रॉब्लम ये कहीं भी घुमा फिरा के आना इस पे ही होता है बीजेपी की पे, और इसको फंसाना होता है बस किसी को भी सारे यही करते हैं। तो प्लीज देखिए मुझे अपने हकों की बात कर रहा हूँ, मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना होगा, मैं अपने दम से बनूंगा, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। अंधभक्त? अंधभक्त मैं, देखिए अंधभक्त मैं किसानों का हूँ, और अंधभक्त ना कहें इसको, सबसे पहले तो अंधभक्त ना कहें। किसान हमारे देश का अन्नदाता है, उसकी वजह से ही रोटी मिलती है, उसकी वजह से ही हमें मिलती है जो भी मिलता है, सब्जियां मिलती हैं, ठीक है, इसलिए ये किसानों को कम ना समझा जाए, इनको भी पता है कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है ठीक। और आप क्या पूछ रहे थे? किसी की नहीं, मैं अपनी पार्टी बनाऊंगा। बहुत बढ़िया। नाम क्या होगा तुम्हारी पार्टी? वो आप देख लेना आगे चल के, अभी से क्यों बताया जाए सब।